YouTube Tech TV में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा मुद्दा है कि आपको नॉर्ड खरीदनी चाहिए या नहीं। तो मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से इस 6 महीने में OnePlus ने जो भी किया वो बस उनका एक मार्केटिंग करने का तरीका था। तो वीडियो में आगे बढ़ते वक्त मैं आपको बताऊंगा कि आपको नॉर्ड क्यों नहीं खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि Redmi अगले ही महीने में Redmi K35G लॉन्च करने वाली है, जिसका नाम K30i भी हो सकता है, जो कि काफ़ी कूल है और OnePlus Nord से काफ़ी ही बेहतर होगी। बात करें अगर डिस्प्ले की, तो इसमें आपको मिलने वाली 120 हर्ट्ज़ वाली 6.67 इंचेस की डिस्प्ले, जो कि नॉर्ड से बेहतर होगी। बात करें अगर कैमरा की, तो इसमें बैक साइड में है क्वाड रियर कैमरा और फ्रंट में है डबल पंच होल कैमरा, जिसमें रियर कैमरा सेटअप में लगा है 64 मेगापिक्सल वाला सोनी का IMX686 कैमरा, जो कि OnePlus Nord से काफ़ी बेहतर है, क्योंकि OnePlus Nord ने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है 48 मेगापिक्सल का सोनी 586 सेंसर। इसके अलावा इसमें लगा है 120 डिग्री का वाइड एंगल कैमरा और 2 सेंटीमीटर क्लोज जाने वाला माइक्रो कैमरा। बात करें अगर प्रोसेसर की, तो इसमें लगी है स्नैपड्रैगन 765G, जो कि इसको काफ़ी तेज और ताकतवर बनाती है। तो दोस्तों, बात करते हैं इसके बैटरी की, तो इसमें लगी है 45mAh की पावरफुल बैटरी, और जिसको चार्ज करने के लिए आपको मिल जाता है 30W का पावरफुल चार्जर। इसके अलावा आपको मिल जाती है लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी, जो कि आपके फ़ोन को ठंडा करती है, और NFC आयर ब्लास्टर के साथ में मिलती है हमें हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि हमारा हेडफोन जैक, जो कि आपको नॉर्ड में नहीं मिलने वाली। तो दोस्तों, आपने खुद देखा कि इस फ़ोन के काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि OnePlus Nord से मिलते जुलते हैं, और काफ़ी सारे फीचर्स ऐसे भी हैं जो कि OnePlus Nord से बेहतर है। फ़र्क सिर्फ पैसे का है, क्योंकि ये फ़ोन आपको मिलने वाली है सिर्फ 19,000 में, जो कि OnePlus Nord से काफ़ी कम है। तो दोस्तों, मैंने आपको अपनी बात समझाने की पूरी कोशिश की, बाकी चॉइस आपकी है और पैसा भी आप ही का है। तो आपको क्या लेना है और क्या नहीं लेना है आप खुद जानते हैं, और मेरी वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश की है कि आपको सही चीज़ बताने की। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी बातें समझ में आई हो, तो वीडियो को ठेंगा दिखाते हुए आगे बढ़ाएँ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।